हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा ग्रेविटेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले में जो कैपलर्स के लॉ थे वो हम स्टडी कर चुके थे, नेक्स्ट में देखते हैं। जो ग्रेविटेशन है इसके लिए न्यूटन भाई साहब भी है, ये भी अच्छी खासी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ग्रेविटी और न्यूटन का जो एक तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, हमने पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचेगा। ये उधर खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, ठीक है। ये उधर खींचेगा और ये उधर खींचेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन के अंदर होता है, कितना फोर्स कितना ऑब्जेक्ट लगाती है, दूसरी ऑब्जेक्ट लगाती है कि नहीं लगाती, या एक ही ऑब्जेक्ट लगाती है जो हैवी होती है या जो हल्की होती है, जिसका कम वेट होता है, कम मास होता है, वही लगाती है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, आर इक्वल और अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होती है। ये उसको अगर खींच रहा है तो ये भी इसको खींच रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है अट्रैक्शन का, ठीक है। ये हम इस चीज को देखेंगे। हाँ, ज्यादा कौन लगाता है, कम कौन लगाता है, ये हो सकता है, लेकिन दोनों फोर्स है वो लगाएंगी, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी। इस चीज के लिए हम देखते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। कौन सा कितना एक्सीलरेशन करवा पाएगी, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं यह सरफेस है, यहाँ पर ये मान लो स्टोन है, पत्थर है, तो अगर इसको हम छोड़ेंगे वहां पर तो ये अर्थ की ओर एक्सीलरेट होता हुआ हमें दिखाई देगा। क्या अर्थ भी इसकी ओर जाती है, क्या इस अर्थ है ये भी इसकी ओर एक्सीलरेट होती है, क्या वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा पा रहा है कुछ? बिल्कुल लगा पा रहा है, लेकिन ये उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है, या हो रही है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल यहाँ पर एक्सीलरेशन है, वो भी देखेंगे हम। यहाँ पर बात करें अगर एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। यहां पर जो मास है और एक्सेलेरेशन है, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, इनवर्सली। अगर मास ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अर्थ, तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन कम होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, जैसे कि स्टोन का, तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, समझ गए। अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन कम होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, स्टोन है जो पत्थर है, इसकी ओर अर्थ की ओर खिंचा चला रहा है, इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। और अर्थ का एक्सीलरेशन देखिए तो गरीब कितना है, अर्थ उसकी ओर कितनी और फोर्स से खींच रही है, एक्सीलरेट कितनी, किस पावर से कर रही है, 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो कितना कम है, 1.6 और उसके भी नीचे 10 की पावर 24। इस एक्सेलेरेशन से वो अर्थ को खींच रहा है अपनी ओर, ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ठीक है। आगे बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रही है, जो अर्थ की ओर एक्सेलरेट हो रही है, आपको पता है क्या एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और ग्रेविटी के कारण से एक्सेलरेशन क्या है उसके पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर बात करें, अगर ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रही है, जैसे कि ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं,
जैसे कि ये, अगर मैं इन दोनों को, इसका अलग मास है कुछ, इसका अलग मास है, इस दोनों को मैं यहाँ से छोड़ूं, तो अर्थ है वो या ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, पहले कौन पहुंचेगा इनमें से, कौन सा पहुंचेगा? आप कहोगे मार्कर, नहीं, दोनों पहुंचेंगे एक साथ। जो फ्री फॉल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एक केजी की है, एक दो केजी की है, दोनों को एक साथ गिराया है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो सेम शेप है उनकी, एक एक केजी की है, एक दो केजी की, तो दोनों है वो एक साथ अर्थ सरफेस के ऊपर टकराएंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो सकती है, वो भी पॉसिबल हो जाएगी, जैसे कि मास हमने दो ऑब्जेक्ट का सेम ले लिया। अगर मैं बात करूं, एक मैंने ये ले लिया जो हैंकी है ये, और एक ये ले लिया, दोनों का मास मान लो सेम है या अलग अलग भी है, कोई बात नहीं, हमने कह दिया अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट भी सेम आएंगे, लेकिन अगर इनको छोड़ देंगे तो पेन है पहले आ जाएगा, और ये जो हैंकी है ये लहरता हुआ है एक तरीके से, टाइम लगेगा, या पेज है, पेज फेंका है हमने, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पीछे आया है, वो पहले आया। इनकी क्या थी, शेप अलग थी। शेप के ऊपर भी अगर हम बात करें, दो ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे छोड़ा है और ड्रैग है यहाँ पर हटा दिया है, एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पर हटा दिया है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, अब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे आएंगे, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस जो हैंकी है, रुमाल है, उसका एरिया ज्यादा था, वहां पर ज्यादा लग रहा था, इसका एरिया एक तरीके से कम था, ये जल्दी आ रहा था वहां पे, इसके ऊपर रेजिस्टेंस कम लग रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो दोनों चीजें एक साथ ही नीचे आएंगी। उसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले पढ़ चुके थे, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को, फॉर्मूला पता है, फिजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यहां पर कैपिटल एम है अर्थ का मास, स्मॉल एम है यहां पर ऑब्जेक्ट का मास, आर है यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ, जी है यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ कितना फोर्स वहां पर एक्सर्ट हो रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं जी की वैल्यू, एक फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड लॉ हम अभी भी देखा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, कितना फोर्स लग रहा है, कितना एक्सलेशन होगा, ये ग्रेविटी की कांस्टेंट में एक्सलेशन को क्या भी लिख सकते हैं बेटा, जी। आप जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रही है तो इसके अंदर एक्सलेशन आएगा, ऑब्वियस बात है, कितना आएगा, जितना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस एक्सलेशन की जगह हम क्या भी लिख लेते हैं, जी। अब ये वैल्यू एफ की जगह यहां पर पुट करनी है, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी को अगर हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो एम कहां चला जाएगा, उधर डिवाइड में, एम क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास, एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कितना होता है अर्थ के लिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहले भी दूसरे तरीके से हम इस चीज को देख चुके हैं। आपने न्यूमेरिकल कुछ किए होंगे इस बेस पे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके रेस्पेक्ट में। अब अर्थ के ऊपर बात करें, क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, हर पार्ट के ऊपर सेम लग रहा है, अर्थ की शेप है वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, ये थोड़ी सी फ्लैट है पोल से,
तो ज्यादा फ्लैट होगी। ये पोल से लगा लो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहां से ये क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है। अब यहां पर कहां फोर्स ज्यादा लगता है, कहां कम लगता है, एक फॉर्मूला तो हमने देख लिया, जी इज इक्वल टू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। यहां से सेंटर से ये तो नजदीक है, इसको स्मॉल आर मान लो आप, और ये थोड़ा सा दूर है जो इक्वेटर के पास है, इसको कैपिटल आर मान लो भाई। ये बड़ी दूरी है, ये छोटी दूरी, इस हिसाब से। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर फोर्स कहां पर ज्यादा लग रहा है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहां पर ज्यादा होगा, तो वो होगा यहां पर इसके रेस्पेक्ट में देखे, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। मतलब कि यहां पर आर की वैल्यू बड़ी है, रेडियस यहां पर बड़ी है, तो यहां पर जी क्या होगा, कम होगा। यहां पर आर की वैल्यू छोटी है, आर की वैल्यू छोटी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, जी की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी। इसको अप्रोक्स में मान लेते हैं पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जहां पर ज्यादा है वहां पर 10 के करीब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर हो जाता है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स में हम इसको कितना मान लेते हैं बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करें यहां से जितना दूर जाएंगे हम, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर रखा या यहां पर रखा, जितना रेडियस बढ़ती जाएगी, जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो घटता जाएगा। रेडियस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी घट रहा है, और जितना हम अंदर की तरफ आते जाएंगे तो भी ग्रेविटी है वो घटती जाती है, और सेंटर में तो क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब कि जो सरफेस है वहीं पर ग्रेविटी है वो मैक्सिमम, ऊपर जाएंगे तो भी कम होती जाएगी, नीचे आएंगे तो भी कम होती जाएगी। इसके साथ साथ और देख लेते हैं हम, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आप कैसे यूज करोगे ग्रेविटी के साथ। इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2as। अब यहाँ पर जो acceleration है वो due to gravity के कारण है, मतलब a की जगह क्या आ जाएगी value g की, तो इसमें क्या हो जाएगा v is equal to u plus gt, इसके अंदर क्या हो जाएगा ut plus half gt square, इसके अंदर v square is equal to u square plus 2gs। इन equation का यूज करके आपको न्यूमेरिकल है जो बुक के अंदर दे रखे हैं बेटा वो सोल्व करना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।